और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे। एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि कल ही उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक बेहतरीन कलाकार, एक ऐसा कलाकार जिसने हर एक भूमिका को बखूबी निभाया हो, एट पार काम करने वाले ऐसे कलाकार अब नहीं रहे। एक से एक फिल्में दी हैं इरफान खान ने। अभी आखिरी मूवी उनकी आई थी अंग्रेजी मीडियम, जिसमें कि उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। लेकिन कल ही ये खबर आई थी, इससे पहले भी आपको हम बता दें कि 2018 में इरफान ने खुद ही अपनी बीमारी की सूचना दी थी अपने प्रशंसकों को। उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था अपने फैंस को कि ये शॉकिंग खबर है। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे ले जाती है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं, मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझे उम्मीद जगाई है, ये खुद इरफान खान ने कहा था। लेकिन आखिरकार जीवन का कालचक्र ऐसा होता है, ये माया ऐसी होती है, ये एक ऐसी चीज है मृत्यु, जिस पर किसी का बस नहीं चलता है। इरफान खान की तबीयत खराब थी, पिछले शनिवार ही उनकी मां जयपुर में उनका निधन हो गया था, जिसमें वो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए थे। और कल ही उन्हें तबीयत बिगड़ने की वजह से अचानक कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था, आईसीयू में वो थे। और अब ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है कि अभिनेता, एक बेहतरीन कलाकार इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 7 जनवरी 1967 को उनका जन्म हुआ था और जिस तरह से फिल्मी जगत में उन्होंने अपना नाम कमाया है, हर एक मूवी के साथ, हर एक फिल्म के साथ उन्होंने जिस तरह से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी आखिरी फिल्म भी अंग्रेजी मीडियम, जो हालांकि वो पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि विदेश में उनको इलाज के लिए जाना था। विदेश से वापस लौटने के बाद बाकी बची जो मूवी थी, बाकी बची फिल्म को उन्होंने पूरा किया और फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने उनकी एक्टिंग को एक बार फिर से सराहा। पीकू में आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ एक जबरदस्त मूवी, एक जबरदस्त किरदार अदा करते हुए इरफान खान को। इरफान खान की जिस किसी भी फिल्म को अगर आप देख लें, याद कर लें, उनका कैरेक्टर अपने आप में ऐसा रहा है, इतना ताकतवर रहा है कि वो किसी भी दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। इरफान खान का पूरा फिल्मी सफर लाजवाब और कमाल का रहा है, और सिर्फ उनकी एक्टिंग की बदौलत। एक तरह से कह ले कि इरफान खान में एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई थी और वो फिल्मों के लिए ही बने थे। चाहे उन्हें जो भी रोल दिया गया हो, चाहे ऑन एयर टाइम, ऑन स्क्रीन टाइम ज्यादा हो या फिर कम हो, उनका कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी इस तरह की रही है कि उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और ऐसे में ये बेहद दुखद खबर फिल्म जगत के लिए, पूरे फिल्म जगत के लिए, आज का दिन बेहद निराशा से भरा हुआ। और तमाम इरफान खान के जितने भी प्रशंसक रहे हैं, जितने भी उनके चाहने वाले रहे हैं, उनके लिए भी बेहद दुखद खबर आज का दिन, बेहद दुखद कि इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे।